हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैंने फर्स्ट जो परचेज किया है ये है ब्रांड हार्पा से मल्टी कलर ड्रेस, और मेरी दूसरी परचेज जो है वो है ब्रांड मॉन्ट्रेस से डेनिम का ये जैकेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। ओपन करते हैं मेरे फर्स्ट ड्रेस को जो कि ब्रांड हार्पा से है। ये जॉर्जेट में ड्रेस इस तरह से आया था, उसकी थैलियाँ फटी हुई थी, लेकिन ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है, मल्टी कलर में है। मेरे पास ऑलरेडी इसका एक ड्रेस है जो कि मैं बहुत वक्त से यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने किसी मेरे फ्रेंड्स के लिए मंगाया, उनको भी बहुत पसंद आया था मेरा ड्रेस, तो बहुत टाइम से मैंने इसको विशलिस्ट में करके रखा था ताकि इसका प्राइस जो लो हो और मैं परचेस कर सकूँ। इसका नेक बहुत ही प्यारा है, थोड़ा सा डीप जाता है, क्लीवेज भी आपके दिखते हैं अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो। अदरवाइज आपको अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, 5'5" है, 5'6" है, तो आपकी क्लीवेज थोड़ी कम दिखेगी। अगर आपकी हाइट कम है तो क्लीवेज थोड़ी सी दिखाई देती है, बट बहुत ही प्यारा लगता है। इसका स्लीव्स देखिए, स्लीव्स पे इस तरह से प्लीट्स किए हुए हैं, बहुत ही ट्रेंडी और स्टाइलिश स्लीव्स है। 3/4 स्लीव्स है इसकी, ये देखिए इस तरह से कुछ प्लीट्स किए हुए हैं। और ये देखिए, ये नीचे इस तरह से है, इसमें एक छोटा सा बटन दिया हुआ है जो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। बहुत ही ट्रेंडी दिखता है, फोटो में इतना अच्छा नहीं दिख रहा था जितना परचेस करने के बाद ओरिजिनल पीस आया है वो। मैं ऑलरेडी इसका यूज़ कर रही थी तो किसी ने मुझे बोला था कि मिलेगा तो प्लीज़ मेरे लिए परचेस कर लो, तो मैंने मेरे फ्रेंड हैं उनको उनके लिए परचेस किया था। ये देखिए 1699 इसका MRP है, बट ये मुझे पड़ा है 450 रुपीज़ में। बहुत दिनों से वेट कर रही थी मैं क्योंकि ये स्टॉक में आता है और स्टॉक आउट हो जाता है। साइड में इसकी जिप दी हुई है एकदम परफेक्ट फिटिंग आने के लिए, ये देखिए, और जिप की क्वालिटी भी अच्छी ही है। वैसे इसे ओपन करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, अदरवाइज जिसे भी एकदम टाइट पहनना होता है ये उसके लिए अच्छा होता है। फैब्रिक इसके जॉर्जेट है, और जॉर्जेट में भी वो जॉर्जेट नहीं है जो आपको चुभेगा, इसके अंदर लाइनिंग भी अच्छी सी दी हुई है। ये मेरा ट्राई एंड टेस्टेड ड्रेस है जो कि मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। ये मैंने फ्रेश पीस मंगाया है तो इसलिए मैंने इसका रिव्यू, ये मैं ऑलमोस्ट तब से यूज कर रही हूँ जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं किया था, तब से ऑलमोस्ट अभी 1 साल के ऊपर हो गया, और एज इट इज है, उसने ना कलर छोड़ा है और ना ही इसमें कोई भी प्रॉब्लम, स्टिचिंग रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अभी भी मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह की लाइनिंग आती है, ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक की लाइनिंग है। पूरा कुर्ता देखिए आपको कुछ इस तरह का दिखता है। ये इसके स्लीव्स, और बहुत अच्छी घेर है इसके अंदर। अगर आपकी हाइट 5'1" 5'2" है तो आपको बिलो के बहुत ज़्यादा नीचे तक आएगा, आपको उसको कट कराना पड़ेगा। अगर 5'5" 5'6" है तो आपको जस्ट बिलो द नी आएगा। इसकी जो लेंथ है काफ़ी अच्छी है, तो आपको चाहिए तो आप उसे कट करवाइए, नहीं तो एज इट इज भी रख सकते हैं। ये देखिए इसका 594 अभी करंट का रेट चल रहा है, और ये देखिए पहनने के बाद कुछ इस तरह का लुक आता है। चलते हैं हमारे दूसरे परचेज की तरफ जो कि है ये मॉन्ट्रेस का डेनिम जैकेट। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसा है। ये मुझे कार्डबोर्ड के बॉक्स में नहीं आया था, ऐसे कागज के ग्रीन कलर के बॉक्स में आया था, और इसको चलिए ओपन करते हैं, देखते हैं कैसा है। तो ये इसके ऊपर ये अपना ब्रांड का टैग लगा हुआ है,
ओके, और MRP वगैरह कुछ नहीं मेंशन की गई है? ये इस तरह का जैकेट है ये? हाँ देख, पैटर्न तो सब ओके है। ये बटन ओपन हो जाते हैं, बट लुक इसका जो है बहुत पुराना जैसा दिख रहा है। बहुत पुराना स्टॉक का होगा, स्टॉक का होगा नहीं, ये यूज किया हुआ पीस लग रहा है। एक्चुअली ये यूज किया हुआ पीस लग रहा है। मैं ऐसा नहीं बोलती कि कंपनी ने यूज किया हुआ पीस जानबूझ के भेजा है, गलती से भी हो सकता है। अक्सर करके लोग यूज करते हैं और एज इट इज रिटर्न भी कर देते हैं। ये देखिए, इसमें हल्के हल्के बबल्स भी दिख रहे हैं मुझे। ऑनलाइन शॉपिंग का और जो रिटर्न पॉलिसी है, इस लोग फायदा भी बहुत ज्यादा उठाते हैं, बट कंपनी को चाहिए कि प्रॉपर चेक करने के बाद ही कस्टमर के पास भेजे। ये देखिए, ये इस तरह के जो फोल्ड्स आते हैं ना नीचे की तरफ में, ये अक्सर जब यूज किया जाता है ना तभी फोल्ड्स आते हैं। ये देखिए इस तरह से, तो मैं तो इसको रिटर्न करने वाली हूँ, क्योंकि मैं एकदम गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि ये यूज किया हुआ है। चलिए इसका स्लीव्स भी देख लेते हैं किस तरह का है। ये अगेन, ये यहाँ पे थोड़ा सा बटन जो मारते हैं, बटन लगाते वक्त थोड़ा सा कपड़ा खराब हो गया है यहाँ पे। पैटर्न इसका अच्छा है, अगर फ्रेश पीस मिले तो नॉट बैड। मैंने ये लिया था कुछ 359 में लिया है। अगर इसका फ्रेश पीस मिलता तो ले लेते, बट इसको देखने के बाद मैं इतना डिसअपॉइंट हो गई हूँ कि मुझे नहीं लगता है फिर से मैं इस ब्रांड को परचेस करूंगी। देखिए पीछे के साइड पे भी देख लीजिए, पीछे के साइड से ये इस तरह का कुछ दिखता है। ये लाइनिंग लाइनिंग जो दी हुई है ना, ये सब यूज किए गए की निशानियां होती हैं, अक्सर करके नीचे से फोल्ड हो जाता है ये। मैं बहुत टाइम से एक अच्छा जैकेट ढूंढ रही थी और मैंने इसको ऑर्डर किया, बट ये मेरे एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा है। इसको मैं रिटर्न कर दूंगी। फिर भी अगर आपको पसंद आता है और आप अगर रिस्क लेने के लिए रेडी है, तो 360 रुपीज़ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, एक बार मंगा के देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो रख लीजिए। कंपनी को चाहिए कि प्रॉपर चेक करके भेजे कस्टमर के पास में, ताकि उसका जो कस्टमर है वो हमेशा के लिए लॉयल कस्टमर बना रहे, जैसे कि लिबास के और बाकी सब ब्रांड्स के होते हैं। लेकिन उसमें भी कभी कभी कुछ निकल आता है, ये एक्चुअली रिटर्न पॉलिसी का गलत इस्तेमाल करने की वजह से होता है। लोग यूज़ करते हैं और रिटर्न कर देते हैं, और वही पीस जो है प्रॉपर चेक किए बगैर कंपनी हमको भेज देती है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह से यूज़ करके कोई भी चीज़ रिटर्न ना करें, क्योंकि एक फैसिलिटी जो हमको मिल रही है ऑनलाइन शॉपिंग की, वो तो बहुत ही अच्छी है। कम से कम शॉपकीपर के पास में जाके भैया जी ये दिखाओ, भैया जी वो दिखाओ, ये तो नहीं करना पड़ता है। और भैया जी तो इतने नाटक करते हैं कि माशाल्लाह एकदम, क्या हो गया बहन जी, आपको इतने सारे दिखाए, आपको पसंद नहीं आया, इतनी डायलॉगबाजी चलती है शॉप में। तो मैंने तो शॉप से लेना ही छोड़ दिया। कुछ अच्छे शॉपकीपर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है सब ऐसे ही होते, लेकिन मेरा शॉप में एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है। तो इसलिए अगर आपको एक फैसिलिटी मिल रही है ऑनलाइन शॉपिंग की, तो उसका यूज़ कीजिए, ना कि मिस यूज़ कीजिए। तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अगर आपको फुल देखना है कि ये पहनने के बाद कैसा दिखता है ये, या फिर पहले वाला जो ड्रेस मैंने दिखाया था ना वो, तो दोनों की मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी फ्लिपकार्ट का। वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी फ़ोटोज़ अपलोड किए हुए, जो कि बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। तो उससे आपको एक्चुअली आइडिया आ जाएगा कि इसका लेंथ कितना है, पहनने के बाद ये कैसा दिखेगा। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले एक बार और कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।